किसानों के लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच में जब आज केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया, उम्मीदें थी कि कृषि से संबंधित बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। लोकसभा में जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष की तरफ से नारे लगाए गए, जय किसान जय जवान। उसके बाद जब अपने बजट स्पीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कृषि के बारे में जिक्र किया और कहा कि गवर्नमेंट इज कमिटेड टू वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, यानी कि सरकार किसानों के भले के लिए प्रतिबद्ध है, विपक्ष की तरफ से नारे लगाए गए और लोकसभा में शोर सुनाई दिया, लेकिन वित्त मंत्री ने फिर भी अपना भाषण पढ़ती गई और कृषि संबंधित घोषणाएं की, जहां पे ये कहा गया कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें बढ़त हुई है, जितने किसानों को एमएसपी पे सरकार जिनसे खरीदती है अनाज उस संख्या में बढ़त हुई है, और साथ ही ये भी कहा गया कि अभी जो एमएसपी है वो डेढ़ गुना है जो लागत होती है किसान को उसकी तुलना में। लेकिन वहीं पे जहां पर किसानों का लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और बीते दिनों में उसमें खास करके विरोध और तेज़ होता हुआ नज़र आया है, इसके बीच में संयुक्त किसान मोर्चा, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी इत्यादि जो संगठन हैं जो कि इन प्रोटेस्ट का हिस्सा है, उनका कहना है कि बजट में किसानों के लिए कुछ खास नहीं है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो कृषि के लिए सरकार ने आवंटन किया है वो सही मायनों में पहले से भी कम है। देश भर में किसान की चर्चा है और किसान दिल्ली के चारों तरफ मोर्चा लगा के इस ऐतिहासिक आंदोलन में बैठे हैं। ऐसे में उम्मीद थी कि वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगी तो किसान का विशेष ध्यान रखेंगी, लेकिन अफसोस कि ध्यान रखने की बजाय उन्होंने किसान पर एलोकेशन घटा दिया है। डायलॉग अच्छे दिए, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि किसान को इससे इनकम दोगुनी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई पता है क्या हुआ है? सच ये है कि किसान का एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए भारत सरकार का बजट जो पिछले साल 1,54,000 करोड़ था वो घटा के 1,48,000 करोड़ कर दिया गया है। सरकारी बजट का कुल 5.1% से घटा के 4.3% कर दिया गया है। पीएम किसान जो सबसे बड़ी योजना थी उसको 75,000 से घटा के 65,000 करोड़ कर दिया गया है, जबकि उसका अमाउंट बढ़ना चाहिए था। सरकार की तरफ से किसान को फसल का दाम दिलवाने के लिए जो MIS स्कीम है उसका बजट 2,000 करोड़ से घटा के 1,500 करोड़ रुपया कर दिया गया है। पीएम आशा लगभग ख़त्म हो गई है, अब उसके लिए केवल 400 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। और जिस एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात बड़े जोर शोर से की जा रही है, 1,00,000 करोड़ रुपया, उसके लिए सरकार ने केवल 900 करोड़ रुपया अपने बजट में रखे हैं। जहां पे इन विरोध प्रदर्शनों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक प्रमुख मुद्दा है, एमएसपी से संबंधित आंकड़े दिए वित्त मंत्री ने अपने बजट के भाषण में और कहा कि जहाँ पे 2019-20 में 35.57 लाख किसान थे जिनसे कि गेहूँ एमएसपी पे खरीदा जाता था, वहीं 2020-21 में ये संख्या बढ़ करके 43.36 लाख हो गई है। और वहीं पे अगर हम धान की तरफ देखें तो जहां 2019-20 में 1.2 करोड़ लोग थे, ऐसे किसान थे जिनसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे धान खरीदा गया था, 2020-21 में ये संख्या बढ़ करके 1.5 करोड़ हो गई है। और इसके साथ ही जो प्रोक्योरमेंट कुल मिलाकर के होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गेहूं की, जहां पे 2013-14 में 33,874 करोड़ रुपए की वैल्यू थी, वहीं पे 2019-20 में 62,000 करोड़ रुपए के लगभग का गेहूं खरीदा गया और 2020-21 में बढ़ करके 45,000 करोड़ रुपए के लगभग ये हिसाब लगाया है सरकार ने कि जो प्रोक्योरमेंट है वो होगी, अभी भी प्रोक्योरमेंट चल रही है। वहीं पे अगर हम धान की तरफ देखें 2013-14 में जहां पे 63,928 करोड़ रुपए का धान प्रोक्योर किया गया था सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, 2019-20 में ये बढ़ करके 1,41,930 करोड़ रुपए का धान मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदा था सरकार ने, और 2020-21 में इसमें और इजाफा होने जा रहा है। जो हिसाब लगाया गया है उसके हिसाब से 1,72,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का धान एमएसपी पे सरकार खरीदेगी। लेकिन वहीं पे जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि एक तरफ जो बढ़त हुई है सरकार ने सिर्फ रुपयों में बताई है, इतने वक्त में जो लागत थी किसान की वो भी बढ़ी है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अभी
तय करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जो इस्तेमाल किया जाता है, उसमें हर वो फैक्टर्स जो कि किसान के होते हैं, जैसा कि एमएस स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था, उस हिसाब से अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं होता है। यानी कि जो सरकार का कहना है कि 1.5 गुना कीमत मिली है किसान को उसके लागत के मुकाबले, शायद वो पूरी तरह से सही ना हो। और साथ ही एक बात ये भी कही गई कि जहां पर 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था, उसके बाद सरकार की तरफ से जो प्रोक्योरमेंट्स हैं वो बढ़ी हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी बढ़ी है। तो कुल मिलाकर के जहां पे 2013-14 से आगे के आंकड़े सरकार ने दिए, वहीं पे ये भी चिन्हित किया गया कि 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट के आने के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य पे प्रोक्योरमेंट सरकार की तरफ से बढ़ी, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए। डेटा इज द डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट। Farmers income has been promised to be doubled by this government, but no data on that has been shared yet. So we can only give you anecdotal information. The bulk of the data is with the government, and for some reason the government is refusing to share it. As Kiran mentioned in the beginning, 5 out of 6 years have passed within which income should have been doubled. But yet we don't know exactly how much income has increased. Procurement figures that were bandied about by the finance minister tell you a very clear story. It is that even with these enhanced figures, the procurement as a percentage of production must be understood. And that remains the same. And the number of farmers, if you really look at the finance minister's figures, they are shocking rather than encouraging. She said that 43 lakh farmers, wheat farmers, have received MSP, and 1.43 crore paddy farmers have received MSP. Now we all know that there are much, much more farmers growing wheat or paddy. So the number of farmers benefiting from government procurement at MSP has not increased. The gross figure has increased sharply over the years, if you really know, not sharply, has increased over the years, primarily because of the number of procurement centers and the need for PDS operations. So no, there's nothing very encouraging. Kiran, if you want to add something to that. Anjali, from your question, I think, this kind of plays into the confusion that is sought to be created by the government on the whole issue of incomes, because you said that the FMs talked about enhancing incomes, but then talked about the increased MSP. Like Avik was pointing out, actually there has been no assessment of incomes which has been made public at the beginning of this whole exercise of 2000 from 2016. When the farmer incomes were supposed to be doubled. The government finally released a figure that the baseline would be 8,200 rupees per household per month is the baseline. And in real terms, the income would be enhanced. So there's actually been no talk about that. But on the issue of MSP, when they are talking about 1.5 times over the input cost, firstly, the calculation of the input cost itself is being called into question, because the instead of taking the comprehensive cost of production, they are only taking a partial cost of production and then saying that we are giving MSP 50% above that. So that is strongly being disputed by the farmer organizations, because if they use this calculation, there's only very marginal increase in MSP, as we have seen in the last 3 or 4 years after the government has started implementing this formula. Secondly, the MSP which is announced, thank you, the farmers are actually not getting it. See, that's the whole point. In 21 out of the 23 crops in the last 3 years, if you see, the farmers have been consistently getting much below the minimum support price which is announced, whereas the MSP is supposed to be the minimum. Either you get that or above that, right? So that is where the contention is, and the government has not actually announce anything which is going to address that particular concern. And as far as the procurement figures are concerned, see, definitely the quantum of procurement has increased
Marginally, if you look at those figures, the FM was talking only in terms of the rupee figure when they were comparing the 2013-14 to 2020-21. But the price of the produce also increases significantly from then until now. So the quantum itself increased only marginally. जहाँ पे सरकार ने कृषि क्षेत्र से संबंधित कई घोषणाएं की, एपीएमसी के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से पैसे उपलब्ध कराने के बारे में भी बात की, लेकिन वहीं पे जो किसान संगठन हैं, विरोध कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि किसानों के लिए इस बजट में ज़्यादा कुछ नहीं है। और जहाँ पर एक तरफ एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उपलब्ध कराया जा रहा है एपीएमसी को, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा इन लोगों ने कि जब ये कृषि कानून आएंगे, इनका भय है कि जो एपीएमसीज हैं वो उन पे खतरा आ जाएगा। और ऐसे में किसानों का कहना है और किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि इस बजट में उनके लिए कुछ खास नहीं है, उनके हाथ निराशा ही लगी है। वहीं पे किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और कृषि कानून रद्द कराना और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गारंटी किसानों की मांग है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।